हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन। कई बार रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एक फुल हैंड ब्राइडल मेहंदी लगाऊं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चल सके कि कितना आसान हो सकता है ब्राइडल मेहंदी लगाना। सबसे पहले आपने देखा कि मैंने आउटलाइनिंग कर ली है, जितना भी मुझे डिज़ाइन बनाना है आप चाहो तो जैसा भी बना दीजिए, बट थोड़ा सा तरीके से बनाइए, उसके बाद आप उसमें फिल कीजिए, अपनी पसंद से डिज़ाइन लगाइए और आप देखना आपको इतना आसान लगेगा ये ब्राइडल मेहंदी लगाना। पता है क्या होता है, जब आप किसी की भी ब्राइडल मेहंदी को देखते हो उसके बाद एक दिमाग में आती है बात, यार कितनी मुश्किल से लगाया होगा। होता है, मेरे को भी ऐसे ही लगता था। बट अगर आप सच्ची बता रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को मतलब तोड़ के देखेंगे, यानी कि आप मेहंदी को पहले एक पार्ट को देखिए, दूसरे को देखिए, आपको समझ में आएगा कि कितना आसान होता है ये मेहंदी लगाना भी। बस हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा लगाई जाती है, बस इसलिए थोड़ा सा देखने में भी वो टफ लगता है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भी मैं आपको बता रही हूँ आपको समझ में ज़रूर आएगा। और अगर आपको लगता है कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहाँ तक मुझे पता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है कि जब आपने पूरी आउटलाइनिंग बना ली, आप चाहो तो उसे डबल लाइनिंग भी कर लो, वरना आप मोटी मोटी लाइन से उसे पूरा आउटलाइन कर लो, जो भी आपको फ्लावर बनाना है, लाइनिंग करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कोई खास इसमें आउटलाइनिंग नहीं की थी जो मतलब बहुत टफ लगे, बस ऐसी ही बहुत ही सिंपल तरीके से, कि ताकि अब अगर मेहंदी सीख रही हैं तो आपको समझ में आ जाए, बस बहुत ईजी तरीके से। और मैंने मोटी कोन और पतली कोन का भी यूज़ किया हुआ है, क्योंकि क्या होता है जब बिगिनर्स होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि एक ही कोन से मतलब मोटा और पतला करके अपने तार बनाना, तो मैंने दो कोन यूज़ किए हैं, इसलिए आप भी यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप देखेंगे कि पूरे डिज़ाइन में कहीं चेक बनाया है मैंने, कहीं पे फ्लावर जैसी फीलिंग कर दी है, कहीं बेल बना दी है, और लाइनिंग डॉट इस तरीके से पूरा डिज़ाइन मैंने अप्लाई किया है। और यकीन मानिए, इसका फाइनल लुक देख के आपको वाकई में बहुत मज़ा आने वाला है। क्या जब भी कभी आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, शादी हो या कोई फेस्टिवल हो, स्पेशली शादियों में क्या होता है, भर भर के हाथ में लगाई जाती है मेहंदी, चाहे वो दुल्हन हो या दुल्हन की बहन हो। और मतलब आजकल तो कोई भी पीछे नहीं रहता, मतलब मेहंदी का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि हर तरीके की मेहंदी मतलब लगाई जाती है। आप मेरे चैनल पे बहुत सारी ऐसी मेहंदी के डिज़ाइन और तरीके हैं जो देख सकते हैं, स्पार्कल मेहंदी है, डाई वाली मेहंदी है, और बहुत तरीके की मेहंदी है। प्लीज़ एक बार ज़रूर जाके देखना अगर आपके घर में भी शादियाँ होने वाली हैं, क्योंकि क्या है ना, मौसम आ गया है शादियों का, तो यार मेहंदी लगाना तो बनता ही है। और वैसे भी आप लोग मेरे से काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि ब्राइडल मेहंदी लगाओ थोड़ा इजी तरीके से, लेकिन मानिए इजी है, हो सकता है कि लगने के बाद आपको टफ लगे। तो यार मैं ये तो नहीं कह सकती कि हर कोई बना लेगा, बट हाँ थोड़ी सी कोशिश से आप ज़रूर लगा लोगे। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं लगा पा रहे हो, तो जो आपके मन में डिज़ाइन आ रहा हो उसको अप्लाई कीजिए, बहुत ही सिंपल। और पूरा हाथ जो फाइनल होगा ना, उसके बाद जब आप देखोगे तो आपको वाकई में यही लगेगा कि यार बड़ी मुश्किल से बना होगा। बट अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि यार कितना आसान होता है ब्राइडल मेहंदी लगाना। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि जितना मुझे आता है उतना मैं आपको समझा सकूँ, और बहुत आसान तरीके से। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी जरूर आता होगा, क्योंकि यार मैं इतना मतलब दिमाग लगाती हूँ सिर्फ इसीलिए कि यार मैं किसी तरीके से भी बस समझा सकूँ। और देखिए, कई बार यार कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जैसे कि बोला कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। अच्छा, प्लीज़ एक बार आज कमेंट में मुझे ये बताना कि क्या मैं सच में रिप्लाई नहीं करती। पता नहीं क्यों ऐसी कैसी गलतफहमी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं नॉर्मली सबका रिप्लाई करती हूँ, चाहे मेरे पास कितने कमेंट आ रहे हो, चाहे कम आ रहे हो, चाहे ज़्यादा आ रहे हो, फाइनली चाहे भले मैं उस दिन ना दे पाऊँ कमेंट का रिप्लाई, बट कोशिश करती हूँ कि ज़रूर दे दूँ। आपने देखा कि मैंने कैसे जो हथेली पे डिज़ाइन बनाया, उसके बाद सिंपल तरीके से किनारे पे भर दिया। आप चाहो तो इसे और भी घना कर सकते हो, चेक बना सकते हो, और एक चेक मतलब
एक खाली और एक भरा हुआ करके चेक बना सकती हूँ। फिंगर्स में जो डिज़ाइन है वो भी बहुत प्यारा लगता है। इस तरीके की डिज़ाइन जो है दुल्हन के हाथ पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आप में से ही किसी की शादी होने वाली है या किसी की बहन की शादी, या मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी या घर में शादियाँ होती ही रहती हैं, तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करना। और आपको ईजी लगा हो ये वीडियो तो मुझे ज़रूर बताना। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, पर कोशिश की है मैंने कि आपको समझ में आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे कि आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, आपको इजी लगा या नहीं लगा। और यार प्यारे प्यारे कमेंट करना यार बनता ही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम जल्दी से जल्दी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने होने वाले हस्बैंड का नाम लिखें तो आप देख सकते हैं अभी मैंने एक छोटा सा एस लिखा था। तो हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप लोग बैक करके देखोगे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप लिख सकते हो, नाम भी कहीं लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स कैसा लगा डिज़ाइन मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही प्यारे डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।